छिद्र नौ द्वार हो। नमस्कार, टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समय की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते विधायी कामकाज हुआ ठप। सीएम योगी ने बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, बांदा में विकास कार्यों को दी जाएगी गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र के सीएम के नाम का आज हो सकता है ऐलान। महायुति गठबंधन के नेताओं से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व करेगा चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आज रांची में चौथी बार लेंगे शपथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की दिलाएंगे शपथ। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित जेपीसी का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ाने को दी मंजूरी। जेपीसी के अध्यक्ष ने प्रस्ताव को आज सदन में किया था पेश। 6 माह का प्रशिक्षण पूरा कर चुके अर्चकों को राम मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी बहुत जल्द मिलने जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इसके लिए नियमावली तैयार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी गणतंत्र दिवस तक संविधान गौरव महोत्सव दिवस मनाएगी। संविधान गौरव दिवस के तहत प्रदेश से लेकर जिला कार्यालय और मंडलों तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। एनआईए ने मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में एक गैंग की धरपकड़ के लिए 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर आज की छापेमारी। ये नेटवर्क युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर उनकी तस्करी करता है। लखनऊ के आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल इंडिया 2024 प्रदर्शनी आज से हुई शुरू। 30 नवंबर तक लगी रहने वाली इस प्रदर्शनी में देश विदेश की कई कंपनियां रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कर रही हैं प्रदर्शित। और टॉप 10 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।